हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ भिंडी खीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 250 ग्राम खीमा है, 200 ग्राम भिंडी और हरी मिर्च, हरा धनिया, एक टमाटर, एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई। तो सबसे पहले हम 3 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम भिंडी डालेंगे। तो भिंडी आप कौन सी भी शेप में काट सकते हैं, छोटी 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 भी काट सकते हैं, या फिर ऐसे भी, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इस शेप में काटी हूँ भिंडी को। तो हम भिंडी को जो है ना हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी भिंडी। तो मिलाते रहें ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, भिंडी जो है फ्राई हो चुकी है, हम भिंडी को निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसी तेल में प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज है, इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खीमा। आप चिकन का भी खीमा ले सकते हैं या बड़े के गोश्त का भी। तो मैं यहाँ पर मटन का खीमा ले रही हूँ। तो हम अच्छे से मिला लेंगे, भून लेंगे कलर चेंज हो तक। तो ये देखिए कलर जो है ना चेंज हो चुका है इसका, खीमे का। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी 1/4 चम्मच, हसबे ज़रूरत नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम अच्छे से मिला लेंगे इन मसालों को। दो से तीन मिनट हम ऐसे ही भून लेंगे खीमे को। तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 1 मीडियम साइज का टमाटर है, हरा धनिया थोड़ा सा, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छे से मिला लेंगे। हमें अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे ही पकाना है हमें। तो फिर से हम भून लेंगे अच्छे से। एक ग्लास पानी डालेंगे हम, ताकि खीमा जो है ना अच्छे से गल जाए। अब हम फिर से ढक के 10 से 12 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से फिर हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी है इसमें भी, तो ऐसे ही हाई फ्लेम पे भून लेंगे। खीमा भी जो है ना अच्छे से गल चुका है। गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर से ढक के हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।